वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र स्टॉक के बारे में बात करने वाले, यानी कि टीटीएमएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो टीटीएमएल स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन एक अच्छा यहाँ पे डे एंडिंग में यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका था 5% का, यानी कि 123 पे क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन में टीटीएमएल स्टॉक ने। तो टीटीएमएल स्टॉक की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखी जाए तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू में इनसफिशियंट डाटा है, आरओई वर्सेस एफडी रेट देखा जाए भी इनसफिशियंट डाटा है, डिविडेंड रिटर्न की देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, पर एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। और नो रेड फ्लैग्स फाउंड, यानी कि स्टॉक यहाँ पे एसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रमोटर होल्डिंग में ज्यादा शेयर प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे बेसिक के साथ प्रोसीजर भी देखे जाए तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी जो है आने वाले 12 महीनों में लो रहने के चांसेस है। और क्वालिटी चेक की बात की जाए तो इनसफिशिएंट डाटा है, ग्रोथ स्कोर में भी यहाँ पे पोअर परफॉर्मेंस है यहाँ पे टीटीएमएल स्टॉक का। तो टीटीएमएल स्टॉक मार्केट कैप यहाँ पे 24,000 करोड़ की है और करंटली रिस्क देखे जाए तो हाई रिस्क का है स्टॉक है। तो की मैट्रिक्स में देख सकते हो पी रेशियो जो है माइनस में ही है, टोटल जो डेप्ट है 17,774 करोड़ का है, डिविडेंड ऑफर नहीं करता है, नेट इनकम देखा जाए तो 1200 करोड़ का लॉस हो चुका है इस साल में, टोटल रेवेन्यू है 1100 करोड़ का और टोटल एसेट्स है 1500 करोड़ के। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टीटीएमएल स्टॉक के लिए।